सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज हम फिर से हिंदी विषय करते हैं और हम कौन सा पाठ कर रहे थे जल्दी बताइए। हाँ, पाठ 11। और हमारी कविता का क्या नाम था? पेट पड़े बीमार। हाँ बच्चों, तो इस कविता में हमने क्या करा, हमने क्या पढ़ा था कि पेट बीमार पड़ गए थे, उसको बहुत तेज बुखार हुआ था। फिर कौन आया था डॉक्टर बनके? बादल आया था डॉक्टर बनके और उसने क्या इलाज किया? उसने जोर से पानी बरसाया। हाँ, और फिर बाकी पशुओं ने क्या खिलाया था? खार। हाँ, फिर उसके बाद ठीक होने के बाद पेड़ ने क्या दिया? हरी पत्तियां, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल और फल। तो इस कविता से हमें ये क्या मिलता है कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों को हर तरह से मदद करनी चाहिए, उसमें हमें खाद और पानी डालना चाहिए ताकि हमारे पेड़ हरे भरे रहे। और पेड़ हम अगर हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ होंगे तो हम पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, हमारी जो हवा होगी वो स्वच्छ होगी, प्रदूषित नहीं होगी। तो चलो बच्चों, आज हम पुस्तक बी में पेड़ पड़े बीमार के कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। चलो बच्चों, जल्दी से पुस्तक बी निकालिए, जल्दी से पुस्तक बी निकालिए। तो बच्चों, जैसा कि आपने पुस्तक बी ले ली होगी, उसमें पृष्ठ 56 खोलिए, 5, 6, 56, ठीक है बच्चों। और हमारा पाठ 11 है और उस कविता का क्या नाम है? पेड़ पड़े बीमार। आज हम इनका अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहले दिनांक में हम आज का दिनांक डालेंगे, तो आज का दिनांक हमारा क्या है? 19/1/24, ठीक है बच्चों। चलिए अब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न में क्या ये कहना चाह रहे हैं। पेड़ और पौधे दिए गए, मेरे साथ बोलेंगे बच्चों, शब्दों की सहायता से वर्ग पहली में छिपे पेड़ पौधों के नाम ढूंढकर उनमें अलग अलग रंग भरे। तो हमने क्या करना है, ये हमारी एक वर्ग पहली दी गई है और इधर कुछ पेड़ पौधों के नाम दिए गए हैं। अब इस वर्ग पहली में से हमें नाम ढूंढ के उस पे गोला लगाना है और उस पे रंग भरने। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग, पहला शब्द कौन सा है हमारा, कौन सा पेड़ है? नीम। अब देखते हैं हम नीम कहाँ पर है। हाँ, चलिए जल्दी से ढूंढिए, मुझे तो मिल चुका है। चलो, तो ये रहा नीम। तो नीम को ना पे बड़ी ई की मात्रा और मा, नीम। इस तरह से आप इसका आकार बनाएंगे और इस पे रंग भरेंगे। रंग आप अपने पसंद का कोई भी भर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर अगला शब्द है, पेड़ है हमारा पीपल। और देखिए पीपल कहाँ है? हाँ, ये रहा पीपल अपना, ये रहा। इसको जोड़िए और इस पे एक सुंदर सा रंग कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा तुलसी। तुलसी एक पौधा है, तो तुलसी देखो कहाँ पर है, ढूंढो। हाँ, ये रहा तुल, तापे छोटी की मात्रा, ला और सापे बड़ी की मात्रा, तुलसी।
सी तुलसी, है ना। तुलसी पौधा बहुत फायदेमंद होता है, हम इनकी पूजा भी करते हैं, है ना। हाँ, अब अगला तुलसी के बाद हमारा दूसरा है जामुन। जामुन का पेड़ होता है, अब हम ढूंढेंगे जामुन कहाँ है। जामुन गेरा, हाँ, जा पे आ का डंडा, माँ पे छोटे ऊ की मात्रा और ना। ठीक है बच्चों, अब हमें जामुन भी मिल चुका है। अब अगला हम देखते हैं क्या है, गुलाब। अब गुलाब कहाँ है, गुलाब एक पौधा होता है, बहुत सुंदर फूल निकलते हैं गुलाब के, है ना, ये रहा। बच्चों रंग आप अपने हिसाब से भरेंगे, ठीक है, आपको जो पसंद हो आप उस तरह वो रंग भर सकते हैं। अब अगला है गेंदा। गेंदा कहाँ है, देखिए ढूंढिए गेंदा कहाँ है, ये रहा। हाँ, गा पे ए की मात्रा, अंग की बिंदी और द, गेंदा। और आखिरी हमारा बचा आम। देखो आम का है, आम सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है आम। हाँ ये रहा आम, बड़ा आ और म, आम। आशा करती हूँ पहला प्रश्न सबका हो चुका होगा, और इन जहाँ जहाँ हम लोगों ने घेरा लगाया है उसमें आप रंग अपने मनपसंद के करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम प्रश्न दो पे आते हैं, ठीक है, चलिए मेरे साथ पढ़िए। दिए गए नाम पेड़ के है या पौधे के, पहचान कर लिखें। अब इसमें हमें क्या करना है, हमने ये देखना है जो नाम दिए गए हैं क्या वो पेड़ है या पौधा है। आप बच्चे इतने समझदार हो कि आपको पता है कि पेड़ कौन से होते हैं और पौधे कौन से होते हैं। चलिए तो पहला हम देखते हैं, पहला है हमारा गुलाब। अब बताओ गुलाब पेड़ है कि पौधा है। हाँ गुलाब पौधा है, तो सब लिखे मेरे साथ, पापे बड़े ओ की मात्रा और ध पौ धे ए की मात्रा। ठीक है बच्चों, पौधे। अब अगले पे आते हैं हम, नीम। नीम पेड़ है कि पौधे। हाँ नीम का पेड़ होता है, तो ये इसके सामने क्या लिखेंगे हम, पेड़। अब हम ग पे आते हैं, तुलसी पौधे कि पेड़ है। हाँ तुलसी पौधे हैं, ये हम अपने घरों में भी लगाते हैं, इनकी पूजा भी करते हैं हम, है ना बच्चों, पौधे। शाबाश बच्चों, मुझे लगता है आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे हैं ना। चमेली, अब चमेली बताइए, चमेली क्या है, पेड़ है कि पौधा। चमेली एक पौधा है, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, पौधे। हाँ चमेली के पौधे होते हैं और बहुत अच्छी सुगंध आती है चमेली के फूल से। अब हमारा है बरगद। बरगद क्या हुआ, बरगद एक पेड़ होता है। हाँ पेड़, पेड़ को कैसे लिखेंगे, पापे एक ही मात्रा और ड। अब हमारा आखिरी बचा है, ये क्या है, पीपल। पीपल हमने कहानी, इल्लियों की कहानियों में भी तो हमने पढ़ा था पीपल के पेड़ पे वो गई थी। हाँ तो पीपल क्या है, पेड़। शाबाश बच्चों, मुझे लगता है आप लोगों ने ये कार्य कर लिया होगा। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आप लोग पृष्ठ 58 पे आइए, है ना, पृष्ठ 58 पे आइए, 5858। चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या अभ्यास दिया हुआ है। सबसे पहले हम आज का दिनांक डालेंगे, आज का हमारा दिनांक क्या है, 19 1
चौबीस, है ना, हमारा नया साल शुरू हो चुका है चौबीस। तो पहले हम पढ़ते हैं ये क्या लिखा हुआ है, पेड़ों की आवश्यकता। पेड़ों की आवश्यकता, आवश्यकता मतलब पेड़ों को क्या चाहिए होता है। चलिए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, पेड़ के लिए आवश्यक चीजों को पेड़ से मिलाइए। अब हमें क्या करना है, ये बीच में पेड़ का चित्र दिया हुआ है। अब इसमें इन्होंने प्रश्न में ये पूछा है कि पेड़ को क्या चीजें जरूरत पड़ती है। जब पेड़ बीमार पड़ा था, आपने भी पढ़ा था ना कि पेड़ बीमार हो गया था, उसे कुछ चीजें नहीं मिली थी इसलिए वह बीमार हो गया था। तो इसी में हमें ये छोटे छोटे चित्र दिए हुए हैं, इन्हीं में हमें ढूंढ के उससे मिलान करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम पहले, ये है पानी। पेड़ को पानी चाहिए होता है ना, बादल राजा ने पानी दिया था, है ना बच्चों? हाँ, शाबाश। तो हम पानी को पेड़ से मिलाएंगे। हाँ, अब अगला चित्र आते हैं, जूता। अब जूता तो चाहिए नहीं होता पेड़ को, है ना। हम अगले चित्र पे आते हैं, सूरज। बिल्कुल, पेड़ को सूरज जरूर चाहिए होता है, है ना। तो हम सूरज को पेड़ से मिलान करेंगे। अब हम आते हैं तीसरे चित्र पे। अब तीसरा चित्र में क्या बना हुआ है, ये बना है खाद। पेड़ों को खाद चाहिए होती है ना, हमने कविता में भी पढ़ा था बच्चों, है ना। तो हम खाद को भी पेड़ से मिलान कर देंगे। अब अगली आई चिड़िया। चिड़िया पेड़ पे बैठ सकती है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि पेड़ को चिड़िया चाहिए। ठीक है, पत्ते तो पेड़ के होते हैं, इसी तरह फूल भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं। तो इसमें खाली पानी, सूरज और खाद चाहिए। तो बच्चों, है ना, हमें इससे ये पता चलता है कि हमारे पेड़ों को क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी मिलान करा होगा, है ना। शाबाश बच्चों। तो बच्चों, अब हम एक और पुस्तक कार्य पुस्तक बी में करें। तो बच्चों, अब आ जाइए पृष्ठ 59 पे। ठीक है, ये हमारा आखिरी पृष्ठ है जिसको आज हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें दिनांक डालेंगे। दिनांक आज का क्या है, 19/1/24। ठीक है, और इसका क्या है, नारा बनाए। हमें कोई नारा बनाना है, देखते हैं किस चीज के बारे में बोल रहे हैं ये। चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं, दिए गए चित्रों के नाम रिक्त स्थान में लिखें। इसमें जो चित्र दिया गया है उसके नाम लिखने, और उछल और खिसक की तरह आप भी पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक नारा बनाइए। जैसे उछल खिसक ने भी एक नारा बनाया था ना, उसी तरह से हम भी एक नारा बनाएंगे। तो बच्चों, ये किसका चित्र है? हाँ, ये एक पेड़ का चित्र है। तो हम खाली स्थान पे क्या लिखेंगे, पेड़। पेड़ को किस तरह से लिखा जाता है, पापे एक ही मात्रा और डा पेड़। हमारे जीवन आधार क्या है, पेड़ हमारे जीवन आधार। इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है, है ना। अब ये क्या है, ये कौन सा रंग है बच्चों, हरा। हाँ, तो इधर हम लिखेंगे हरा। हरा को कैसे लिखेंगे, ह रा पे आ का डंडा, हरा। हरा बरा इनसे संसार। तो बच्चों देखिए, एक जादू हो गया, इससे एक नारा बन गया। देखिए, पेड़ हमारे जीवन आधार
हरा भरा इनसे संसार। हाँ चलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये अभ्यास मेरे साथ करा होगा और बहुत सुंदर तरीके से लिखा होगा। तो बच्चों अब अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।